मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। नेपाल से आ रही सैलाब, मैदानी इलाके बेहाल। निचले इलाके डूबे, अब ऊपरी इलाकों की बारी। बारिश आफत बन गई है, सैलाब का डर सता रहा है, लोग आने वाली मुसीबत से सहमे हुए हैं। जब भी बाढ़ आती है अपने साथ बर्बादी लाती है। किशनगंज के टेढ़ा गाछ प्रखंड में मूसलाधार बारिश से भीषण बाढ़ आ गई है। नेपाल से सटे तराई क्षेत्र में बहने वाली सभी नदियां उफान पर हैं। कनकई, रेतुआ और गोरिया नदी का पानी निचले इलाकों में प्रवेश कर गया है, जिससे हालात बद से बदतर हो गए हैं। नदी कटाव रेतुआ नदी से यहाँ अब तक 5-6 दिन पहले 5-6 घर नदी में विलीन हो गया। विलीन होने के बाद प्रशासन आया, निरीक्षण करके सीओ साहब गए, अब तक कोई कार्य नहीं हो पाया। जो कि नदी का जल स्तर बढ़ने से आज नदी का कटान खूब तेजी से हो रहा है। हम लोग ग्रामीण में दहशत फैला हुआ है, जो कि हम लोग अपने से चंदा करके गांव वाला बांस से के गिराकर नदी में नदी कटाव को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो कि ग्रामीण में खूब दहशत फैला हुआ है। नगर प्रशासन के द्वारा नहीं कटाव रोधी कार्य नहीं हुआ तो कम से कम सैकड़ों घर नदी में विलीन हो जाएगा। अभी से बाढ़ का पानी कई घरों में घुस चुका है, जिससे लोग अपने घर को छोड़कर ऊंची जगहों पर जाने को मजबूर हैं। टेढ़ा गाछ से जिला मुख्यालय की तरफ जाने वाली सड़क बाढ़ के पानी से लबालब हो चुकी है, नजारा सैलाब जैसा है। आज बाढ़ के समय में कोई किसी का नहीं है, जनता कहाँ फंस रहा है, कहाँ जनता मतलब की जो है मर रहा है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। यही है चिलनिया पंचायत का प्रशासन और प्रतिनिधि का हाल, जो कोई देख रेख करने वाला नहीं है। अब तक कोई बचाव नहीं है, ऊपर से पानी, नीचे से रतवा के पानी, ये जलस्तर में सब आदमी बेफल हम लोग फंस रहे हैं। अब ये स्कूल के बरंडे पर जा करके हम लोग ताला तोड़ करके हैं, जो हम लोग का कोई बचाव कार्य नहीं मिला है और ना कोई कर रहे हैं। उधर कटाव और बाढ़ के कारण अब तक सैकड़ों लोग विस्थापित हो चुके हैं। टेढ़ा गाछ प्रखंड के सुइया गांव के लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। यहाँ सुइया हाट के जो रेतुआ नदी है, अभी इतना भीषण बाढ़ की चपेट में पड़े हुए हैं। यहाँ के ग्रामीण अपने बचाव के लिए बांस इकट्ठा करके रोकथाम को बहुत ज़्यादा काबू में लेके आए, लेकिन इससे कोई मतलब बचाव की संभावना नहीं है। इसलिए प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं कि यहां बचाने के लिए पूरी कोशिश की जाए, नहीं तो पूरे ग्रामीण 100 आबादी के जो ग्रामीण है, यहां सुइया हाट है, उत्तर में मध्य विद्यालय सुइया हाट है, ये बाढ़ के पानी से समा सकती है। इस गांव के 8 घर नदी में समा चुके हैं, बाकी घरों पर खतरा मंडरा रहा है। इस गांव से आवागमन पूरी तरह से ठप है और लोग पानी के बीच घिरे हुए हैं। उम्मीद है कि प्रशासन की नजर इस पर पड़ेगी और लोगों की मदद हो पाएगी, ताकि वे इस विपदा से बच सकें। मसरूर रईस, किशनगंज।